हमें गर्व है देश के उन वीरों पर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपनी जान की कुर्बानी दी। तो ये तो धांधे लौटा है, वो खतरनाक अपराधी, इसे क्या हुआ? इसे कुछ नहीं हुआ, हुआ है हमारे विवेक को। कजन, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। गोली की आवाज है, और साहब तो विवेक की आवाज, पकड़ो इन्हें। तेरी तो किस्मत ही खराब है एसीपी, मुझे तेरे ऑफिसर्स के लिए ताबूत इकट्ठे करने हैं। जय हिंद। कितने लोगों को मार सकता है ये बम? 1000 से भी ज्यादा लोगों को मार सकता है। इस बम के फटने पर कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में तबाही तबाही हो गई। शाबाश, ऐसा ही खतरनाक बम चाहिए था मुझे सीआईडी को खत्म करने के लिए। अब ये बम मैं तुम्हें पहनाऊंगा, बम के साथ साथ तुम भी फट जाओगे। लेकिन सर, डर गए? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 15 अगस्त को आजादी नहीं दिवाली मनाएंगे, बम के धमाकों की दिवाली। बस अब ये तय करना बाकी है कि दिवाली कहां मनाएंगे। अगर चित आया तो यहां, और पट आया तो वहां। बॉस, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हम सीआईडी वालों के साथ कर चुके हैं। शाबाश, शाबाश, तुम्हारी इस बहादुरी का इनाम जुगरान तुम्हें जरूर देगा। इनाम बॉस? हाँ, इनाम। और बॉस, मैंने तुम लोगों की मौत ही तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। आर जुंगार ने अपनी कब्र खोद दी है, सीआईडी वालों से पंगा लेकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, अपनी मौत को बुलावा। सर, ना तो अभिजीत सर का फोन लग रहा है और ना ही दया सर का, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है सर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आप रेडी, पता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, मगर आज हो रहा है। 15 अगस्त सिर पे खड़ा है, देश का हर नागरिक हमारी तरफ उम्मीद लगा के बैठा कि हम उनकी रक्षा करेंगे, मगर हमारा एक भी ऑफिसर जगह पर नहीं है। समझ में नहीं आता कहां गायब हो गए। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? हो गया फ्रेडी, उन्हें कुछ तो हुआ, इसीलिए तो गायब हो गए वो लोग। सर, ये सब गए कहां सर? पता लगाएंगे फ्रेडी, फोरेंसिक लैब चलते हैं, देखते सड़ंगे को कुछ मिला है क्या धनते लोटा की लाश से। लेट्स गो। क्या चाहते हो? हाँ, मुझे यहां से बाहर निकालो, कोई है यहां पे? कौन सी जगह है ये? कहां लेके आ गए मुझे ये लोग? Oh,
मैं तो कलंग घाट में था। ओह नो, काजल और निखिल ये लोग कहाँ हैं? ये आदमी कौन है? लगता है बेहोश है। विवेक, 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 जिंदा, नब्ज चल रही है। विवेक, विवेक तुम ठीक हो? हाँ, जीत सर, सर, आप यहाँ कैसे? मैं, ओ माँ, वो एक लंबी कहानी है विवेक। देखिए कि तुम यहाँ कैसे, कैसे हुआ ये सब, कैसे आए तुम यहाँ पे, कहाँ थे तुम? हैं सर, वो भी एक लंबी कहानी है। हम हैं कहाँ? हम लोग ओ माँ, ओ चक्कर आ रहा मुझे। हाँ, ओ लगता है हम लोग किसी बोट में हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, समंदर के बीच में लाके छोड़ दिया हम लोगों को। कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखो, सोना नहीं है? सोना नहीं सर, ध्यान रखो। दरवाजा जाम है। बाहर जाके कुछ मदद लाने की, तो अपना ख्याल रखना, बेहोश मत होना विवेक। यस सर। सर, इस आतंकवादी की लाश के ऊपर से मुझे। हाँ सालों की कोई अच्छी खबर है? बस पहले तुम खबर सुनाओ, कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं सालों की कुछ पता नहीं चला।
जब तक इस जुंगार का पता नहीं चलता हमारे लोगों को ढूंढना जरा मुश्किल है। तुम कुछ बता रही थी सर उनके सामने? सर इस आतंकवादी की लाश के ऊपर से मुझे कुछ नमक मिला है। नमक मिला? अच्छा, लगता है सर ये लाश किसी बीच के पास या फिर समुद्र के किनारे रखी गई थी। तो सड़के नमक तो समुद्र के किनारे की हवा में ही मिलता है। और बॉस ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मछलियाँ सुखाई जा रही। ये आप कैसे कह सकते सर? आओ, इस ताबूत पर जो रेत है उसमें से मुझे ये मिला है। ये क्या है? मछली का कांटा। मछली का कांटा? मछली का कांटा समुद्र के किनारे की रेत और नमक। फ्रेडी पता लगाओ, पता लगाओ समुद्र के किनारे ऐसी कितनी जगह हैं जहां पर 15 अगस्त का जश्न मनाया जाएगा, और उन्हीं इलाकों में ऐसी कौन सी दुकानें हैं जहां पर ऐसे कॉफिन्स बनते हैं। सचिन, सचिन वेट। जाने कहां रखा हुआ है ना होगा। हेलो, कैसे हो दया? नींद अच्छी आई? कौन हो तुम और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कितना काम करते हो तुम दया, दिन रात के सॉल्व करते रहते हो। सोचा कुछ देर तुम्हें आराम करा दूं। बकवास बंद कर। सचिन कहाँ है? कहाँ है सचिन? जिंदा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ लग एक बार, मेरे सामने आ, तो अपने जिंदा होने पे अफसोस करेगा तू। मौत तो सबको आनी है दया, आज भी तो सैकड़ों लोग मारे जाने वाले हैं जब बम फटेगा। बम? कैसा बम? सीआईडी होकर पूछ रहे हो कैसा बम? बम तो बम होता है, बम तुम्हारे बहुत पास ही है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो और बचा लो, बचा लो अपने प्यारे प्यारे देशवासियों को। मासूम लोगों को मारेगा, क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने तेरा? हिम्मत है तो हमसे बदला ले। वक्त बर्बाद मत करो दया, बम कभी भी फट सकता है। और हाँ, अपने अंकल एसीपी प्रद्युमन को फोन करने की कोशिश की तो बम उसी वक्त फट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा तू, मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। अब जाओ और जाकर ढूंढो बम, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। ए, ए, सुन, हेलो। साहब को किसी तरह कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो
वो लोग कौन है? अंकल अंकल अंकल, ये आपके लिए। किसने दिया है? ए! विवेक को बचाएगा या इस देश को? बहुत जल्दी तेरे पास एक बॉम्ब फटेगा, इसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। रोक सकता है तो रोक ले। पास में बॉम्ब है लेकिन कहाँ? विवेक को भी बचाना है। जान को खतरा है, लेकिन ये बम कहाँ फटेगा? क्या तिलक रोड पे ऐसी कोई दुकान है जहाँ पे ताबूत बनाए जाते हैं? अरे हाँ हाँ, कॉफिन्स, कॉफिन्स की दुकान, जिसमें से मुर्दे ले जाए जाते हैं, वो वाला कॉफिन्स। जैसी पता चले मुझे फोन कर देना, समझे? झुंगार ने खून किया नितसरा में और कालन घाट में, और पकड़ा गया मेरे हाथों पुनाया में, जब वो समुन्द्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर अदालत ने उसे बेला के जेल भेज दिया। सर, लगता है जुंगार के साथ जो जो हुआ था बिल्कुल वैसा ही वो हमारे ऑफिसर्स के साथ कर रहा है सर, क्योंकि हमारे कुछ ऑफिसर्स गायब हुए नितसारा से और कुछ कलंगाट से। फ्रेडी, अगर मान लिया कि वो ऐसा करने वाला है, फिर हो सकता है कि जुंगार समुंदर के आसपास ही कोई हंगामा करेगा। पर सर, अभी तक तो जो मैंने पता किया है, समुंदर के आसपास किसी भी इलाके में 15 अगस्त का कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा सर। अच्छा? हाँ सर। हेलो, हाँ, तिलक रोड पे कॉफिन की दुकान है? वेरी गुड, थैंक्स। फ्रेडी, जिस कॉफिन में से हमें धंटे लोटा की लाश मिली थी, उस कॉफिन में हमें समुंदर के किनारे की रेत और मछली का कांटा मिला था। ये कॉफिन ही हमें उस जगह तक पहुंचाएगा जहां पर झुंगार खून की होली खेलना चाहता है। मरेंगे तो सभी, लेकिन पहले कौन? एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत या दया? ये क्या बॉस, आपकी उंगली से तो खून निकल रहा है। हर महान काम करने के लिए खून तो बहाना ही पड़ता है, और सीआईडी का खात्मा करना बहुत महान काम है ना? जरा सोचो, सोचो, यहाँ सीआईडी का खात्मा और वहां हमारी जनसेवा शुरू। इतनी शांति से हम जनसेवा शुरू करेंगे और रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। होगा, आपका यह सपना बहुत ही जल्द पूरा होगा। बॉम्ब तैयार है, लेकिन उससे पहले इन चारों को होश में लाना होगा। नहीं, सोने दो इन बच्चों को थोड़ी देर, और सोने दो, सोने दो। क्या पता मरने के बाद ऐसी अच्छी नींद सोने को मिले या ना मिले। जाओ और जाकर पता लगाओ बाकी लोगों का क्या हाल है, खासकर इस एसीपी प्रद्युमन का। जाओ। बुरा मत मानना बॉस, एक बात बोलूं, एसीपी प्रद्युमन का चेहरा देखता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। इस आदमी की आंखों में सच्चाई है। बॉस, क्या तुम ये प्लान कैंसिल नहीं कर सकते? बॉस, बॉस, मैंने आपको जेल से निकलवा दिया, आप कहीं छिप जाइए और हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। बदला लेने में क्या रखा है बॉस? मैं इंतजाम करूंगा ना आपका सारा। जिस दिन बदले की आग में झुलसेगा ना, उस दिन जुंगार का दर्द समझेगा। सीआईडी ने मुझे जेल भेजा। जुंगार को जेल भेजा, जुंगार को। इसकी कीमत तो सीआईडी को चुकानी पड़ेगी, समझे?
और अगर दोबारा अगर प्लान कैंसिल करने की बात की तो सीआईडी से पहले मैं तुझे ऊपर भेज दूंगा, समझे? जी बॉस। अब जाओ। एसीपी प्रद्युमन। पता नहीं ये बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ होने वाला है। सुनो भाई साहब, ये आसपास कोई आजादी का फंक्शन होने वाला क्या? नहीं, यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। आगे शहर में हो रहा होगा तो मुझे मालूम नहीं। थैंक्स। उसने तो कहा था कि बॉम्ब यहीं कहीं आसपास लगा है। नहीं पहचाने से मिलता? ओ भाई साहब सुनो, ओ भाई साहब, तुम पुनाया गांव गए थे क्या उस ढाबे में? पुनाया? नहीं तो पे बम रखने वाला है। अरे सुनो भाई। हाँ साहब। यहाँ आसपास कोई आजादी का प्रोग्राम हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं है? इधर आसपास कोई दूसरे मोहल्ले में होने वाला है? वो पता नहीं। अरे आज संभाल के गिर जाओगे। अब इससे ज्यादा और क्या गिरूंगा सर? ये तो वही आदमी है जिसने मुझे बेहोश किया था। मुझे बहुत अजीब लगता है, हम लोग ये कॉफिन्स और ताबूत रोज बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। जरा सोचो, दूसरे की मौत होती है और हम पैसे कमाते हैं। कल को अगर मैं जाऊंगा इसी तरह कॉफिन में तो कौन पैसा कमाएगा? तुम ही ना? ऐसी बात नहीं है साहब, हम लोग काम ईमानदारी से करते हैं, किसी का खून तो नहीं करते। कहिए साहब, कॉफिन्स देखने आए हैं, किसी की मौत हुई है? लेडी है या जेंट्स है? देखो भाई, अगर तुमने हमारे सवालों के जवाब जल्दी से नहीं दिए तो इस देश के कई मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे जाएंगे? सुनो, हम लोग CID से हैं। CID? अभी तुम जाओ। क्या बात है साहब? हम एक खतरनाक मुजरिम की तलाश में है और उसने शायद तुम्हारे यहाँ से 2 दिन पहले कोई कॉफिन खरीदा है। 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले। ये देखो, ये कॉफिन है। हाँ साहब, ये कॉफिन तो हमने ही बनाया, पर किसको बेचा है वो याद नहीं आ रहा है। झुंगार नाम है उस आदमी का जिसने ये कॉफिन खरीदा है। लंबा चौड़ा है, लगभग 6 फीट का, और उसके दाहिने हाथ पर निशान है, जख्म का निशान। ये कोई 40 से 45 साल की उम्र का? हाँ बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, उस आदमी ने अपना एड्रेस, सेल फोन नंबर वगैरह दिया होगा ना तुम्हें? नहीं साहब, उसने तो बना बनाया कॉफिन खरीदा और चला गया, कोई नंबर वगैरह नहीं लिखवाया। अच्छा, कुछ खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में तुम्हें? नहीं साहब। अरे नहीं कैसे, जरा दिमाग पर जोर डालो, याद करके बताओ जरा। हाँ साहब, कुछ और तो नहीं, पर उसके बदन से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। चमेली के फूलों की खुशबू? सर, चमेली का परफ्यूम लगा के घूम रहा होगा ये जुंगार। नहीं साहब, वो परफ्यूम नहीं था, वो चमेली के ताजे फूलों की खुशबू ही थी। चमेली के ताजे ताजे फूलों की खुशबू, इसका मतलब है जुंगार किसी ऐसी जगह से आया होगा जहां पर बहुत सारे चमेली के फूल थे, और वो जगह ज्यादा दूर नहीं हो सकती, नजदीक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जगह दूर होती तो ये खुशबू रहती नहीं, उड़ जाती। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आसपास कोई फूलों का बगीचा है जहां पर चमेली के बहुत सारे फूलों के पौधे हैं? Hello.
तुम यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, मगर तुम यहाँ कैसे? तुम तो काजल और निखिल के साथ कलंगा जाने वाले। पूछो मत यार, बहुत बड़ी साजिश थी हम लोग को किडनैप करने की। मुझे भी बंधक बनाया गया था। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ये सुराग है, यही बताएंगे हमें ये सारा चक्कर है क्या। हमारे साथी कहाँ है, बाकी साथी कहाँ है? सर हमें कुछ पता नहीं सर। नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम ऐसे नहीं साहब। बोल, बम कहाँ फटने वाला है? हमें कुछ नहीं मालूम। हमें कुछ नहीं पता सर। नहीं मालूम? वाकई में हमें कुछ पता नहीं सर। हमें तो किडनैप करने के लिए पैसे मिले थे सर। तो इसे मालूम होगा। बाकी साथी कहाँ है हमारे? हमें नहीं मालूम सर। और ये भी नहीं मालूम होगा कि बम कहाँ फटने वाला है? सर अगर यहाँ पे कहीं पे बम फटने वाला होता तो हम यहाँ क्यों रुकते? हम यहाँ से भाग जाते सर। पैसे किसने दिए थे? सर अंगद ने दिए थे, और उसका फोन लगा रहा हूँ कब से सर, लग भी नहीं रहा सर। हाँ सर, हम मुंबई भी अंगद को ढूंढने के लिए आए थे। अंगद को ढूंढने के लिए मुंबई में आए थे तो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे तुम लोग? सर हमसे कहा गया था कि आप पे नजर रखी जाए, ताकि जब तक हम लोगों का काम पूरा ना हो जाए तब तक आप इस इलाके से कहीं दूर ना जा सके। आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं ना? आपको कैसे पता? मैं इस एरिया का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, पेट्रोलिंग पर निकला था तो आपको देखा। आपकी बहादुरी के चर्चे तो पूरे शहर में मशहूर है। अच्छा आप यहाँ आ गए, इन दोनों को हिरासत में ले लो। ये दोनों कौन है? इनका गैंग आज आजादी के दिन बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। व्हाट माय गॉड। देखो ये बात तुम किसी से कहना नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि बेकार में भगदड़ मच जाए और इनके साथी हमारे हाथों से निकल जाए, समझे आप? आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं देखता हूँ इन दोनों को, और तुम दोनों जा। अच्छा बात है, तुम मिल गए। सब वो बॉम्ब कहाँ है वो पता करना चाहिए। फिक्र मत करो अभिजीत, हम अपने साथियों को भी बचा लेंगे और अपने देशवासियों को भी। लेकिन ये बॉम्ब है कहाँ? कहीं समंदर की तरफ तो नहीं, या वहां पे किसी बोट में? सीआईडी। हेलो सर। सर आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक सर। अरे तुम्हें भी आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक। सर आप लोग नहीं होते तो हम लोगों की तो रातों की नींद हराम हो जाती सर। आप लोग हमारी सुरक्षा के लिए कितना कुछ करते हैं सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद किस बात का, ये तो हमारा फर्ज है। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारे लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार और सम्मान है सर, उनकी भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इस जुंगार को किसी भी हालत में उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। ये जुंगार हमारे हाथों से बच नहीं सकता। अरे सुनो भाई इधर आ। कहिए। यहाँ आसपास कोई चमेली का पेड़ है क्या? अच्छा आपको चमेली के फूल चाहिए? हाँ। वो जो सामने फूलों की दुकान है ना, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, हमें चमेली के फूलों से भरा हुआ पेड़ चाहिए। पेड़? अच्छा बहुत सारे चाहिए? हाँ पेड़, बहुत सारे पेड़। वो जो सामने गली देख रहे हैं ना आप, वो गली के आखिर में जो बंगला है उसके बाहर बहुत सारे चमेली के पेड़ है। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ हाँ, 10 साल से मैं इसी इलाके में रह रहा हूँ। तो फिर उस बंगले का मालिक कौन है ये भी पता होगा? हाँ, पहले तो कोई विनय था, अभी 4-5 महीने पहले उन्होंने वो घर किसी और को बेच दिया है। कोई 40-45 साल का आदमी था क्या? 40-45 साल? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? हम पहचानते हैं उसे। आजादी का दिन मुबारक हो। थैंक यू। रेडी, ये चुंगारी है, लेट्स गो। मतलब हम सब किडनैप हो गए हैं, किसी ने बहुत बड़ी साजिश में हम सबको फंसाया है। पता नहीं मुझे कब से यहाँ कैद कर रखा है। अभिजीत सर, वो हमें जंगल में ढूंढ रहे होंगे। अभिजीत सर तो मेरे साथ है, किसी बोट में, कह रहे थे कि वो वापस आएंगे मदद लेकर। उन्हें भी किडनैप कर लिया? इसी भी सब हम लोग को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे।
तुम्हारा एसीपी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तुम लोगों को बचा नहीं पाएगा। मैं कौन? एक बार बस मेरी हाथ खोल दे तू, फिर देखना क्या हाल करता हूं। ज्यादा फुदक मत। जब तेरे इंस्पेक्टर अभिजीत और दया मेरे सामने तुम मिला रहे हैं तो तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? दया सर का नाम अपनी गंदी जबान से मत ले, वरना तेरी जबान मैं तेरे हलक से उखाड़ के फेंक दूंगा। ये बता के तू चाहता क्या है? सीआईडी की मौत, सीआईडी का खात्मा। पहले तुमने भी देखा है, तुम सीरियल किलर हो ना? हाँ खाजे, तुम सही कह रही हो, ये सीरियल किलर जुंगार है। अगर तुम बेला के जेल से बाहर कैसे निकले? लोहे की सलाखें मुझ जैसे फौलाद को कैद में नहीं रख सकते। मुझे तो बाहर आना ही था तुम सबका खात्मा करने के लिए। अगर तू हम सबको खत्म करना चाहता था तो अब तक जिंदा क्यों रखा है? इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, तड़पा तड़पा के। तुम सबको पूरे देश के सामने मिसाल बनाऊंगा, लोगों का सीआईडी पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाए। अब समय आ गया है कि इन्हें इनकी आजादी का तोहफा दे दिया जाए। नेकी और पूछ पूछ जाओ ले आओ। तोहफा तो तुझे दया सर देंगे, बस एक बार तू उन्हें मिल जाए बस। क्या दया दया लगा रखा है? आज तुम्हारा दया भी ऊपर जाएगा। बस तेरा इनका तोहफा दिखाओ। हाँ, इससे अच्छा तोहफा सीआईडी के बहादुर ऑफिसर्स के लिए और क्या हो सकता है? आज से तुम सब शहीद कहलाओगे। शहीद लगाओ उन सबको। ये देखो चमेली के फूलों के पेड़, यही है जुंगार का बंगला, दम तैयार रखना। सर शायद अंदर छुप के बैठा होगा जुंगार। भागेगा कहाँ? हे भगवान, इतना सारा खून, कहीं जुंगार ने हमारे ऑफिसर्स को? यहाँ पे तो कोई नहीं है, लगता है भाग गया। लेकिन सर ये खून, इस खून का क्या सर? पता नहीं फ्रेडी ये खून किसका है, लेकिन अगर इस जुंगार ने हमारे ऑफिसर का एक भी बाल बाका किया ना तो उसके ये हाल करूंगा कि अगले 7 जन्मों तक वो गुनाह क्या गुनाह के नाम से भी कांप उठेगा। सर यहाँ पे तो बॉम्ब बनाने का सामान रखा हुआ है सर। हाँ फ्रेडी, डायनामाइट, ग्रेनेड्स। माय गॉड, पता नहीं कितने बॉम्ब बनाए उसने, कितने मासूम लोगों की जानें लेने वाला ये। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस जुंगार ने बॉम्ब कहां कहां पे लगा रखे। पता चल जाएगा, पता लगाएंगे। काम करो, इस घर का एक एक कोना कोना छान मारो, एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। मैंने कहा था ना ये जुंगार समुद्र के आसपास ही कोई बड़ा धमाका करने वाला है। ये देखो, देखो सारे जहाजों का टाइम टेबल, डिपार्चर टाइम,
ये जुंगार किसी जहाज को बॉम्ब से उड़ाने वाला है। हाँ फ्रेडी, जुंगार तू नहीं बचेगा हमसे। उस बोट को देखते हैं। अब ये दया, तुम लोग जिंदा हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सर, मेरी वाइफ ने आप लोगों की सलामती के लिए उपवास भी रखा था सर। हम लोग ठीक है सर। सर, विवेक का पता चल गया है। तो फिर कहाँ है विवेक? सर, वो एक बोट में बंद था, मैं भी साथ में ही था। मैं किसी तरीके से उस बोट से भाग के आया हूँ उसकी मदद करने के लिए, लेकिन अभी देखता हूँ तो बोट भी गायब और विवेक भी गायब। बोट गायब है और हमारे बाकी साथियों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो, हम एक बोट ढूंढ रहे हैं जिस पर 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है और बॉम्ब उसी में लगाया है जुंगार ने। जुंगार? तो ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सर, ये जुंगार वो सीरियल किलर तो नहीं जिसे 5 साल पहले आपने गिरफ्तार किया था? हाँ भैया, बिल्कुल वही है। ये बदला ले रहा है। जिसे सजा दिलवा वो बदला लेने की सोचता है। वो देखो उस बोट में, वो सजाई हुई दिख रही है, शायद जश्न वहीं पर होगा। चलो देखते हैं। ध्यान रखना कहीं वो दोनों भेस बदल कर अंदर तो नहीं। सर, वो देखिए सर, हमारे साथी। सर रुक जाइए सर, हमारे पास मत आइए। क्या हुआ, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों तुम लोग? क्या हुआ बताओ। क्यों एसीपी, कैसा लगा? और तुम? हाँ, मैं जुंगार। बस कुछ ही लम्हों में इस बोट की धज्जियां उड़ जाएंगी और तुम सब भगवान को प्यारे हो जाओगे। मेरी तरफ बढ़ना मत वरना बम के रिमोट कंट्रोल का बटन दब जाएगा। तुम्हारी दुश्मनी सीआईडी के साथ है, सीआईडी तुम्हारे सामने खड़ी है। बेगुनाह लोगों को जाने दो यहाँ से। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। मौत के मुंह में खड़े होकर बहादुरी की बातें कर रहे हो। ए जुंगार, सीआईडी वालों के रगों में खून नहीं, बहादुरी का नशा दौड़ता है, नशा, समझे? तुम जैसे कायर क्या समझोगे? हमसे बदला लेने के लिए इन मासूम लोगों का सहारा ले रहा है। आप लोग सब लोग यहाँ से जाइए, बाहर चले। रुक जाओ, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इन सबकी लाश यहाँ से बाहर जाएगी। तुझे क्या लगता है इतने पाप करने के बाद भी तो हमसे बच जाएगा? मैं तो मरूंगा ही, मगर मेरे मरने से पहले तुम्हारे इन 4 सिपाहियों को भगवान के पास भेज दूंगा। घूमो, देखो। जुंगार बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बॉम्ब सीआईडी के इतने करीब थे और सीआईडी उसे कहां कहां ढूंढ रही थी। जुंगार बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। एसीपी, इन 4 को बचा सकता है तो बचा ले। रिमोट वहां मेरे आदमी के पास है, अब मैं जा रहा हूं। आजादी मुबारक हो, अलविदा। जुंगार, अलविदा इतनी जल्दी? वहां देखो तुम्हारा रिमोट। अब तुम लोगों का खेल खत्म। ये देखो, बस 6 सेकंड है तुम्हारे पास। 6, 5, 4, 3, 2। आइए, हम सब
आज फिर गर्व से कहे कि भारत माता की जय। वैसे हमारे देश में कई परेशानियां हैं, किस देश में परेशानियां नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने देश को सुधारें, उसे एक स्वर्ग बनाएं, कि इस देश की सारी जनता गर्व से कहे, शान से कहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस तिरंगे को देख रहे हो अंगद, ये सिर्फ तीन रंग नहीं है, बहादुरी, सभ्यता और खुशहाली के प्रतीक है। और जब भी कोई गद्दार इसकी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसका नामो निशान इस धरती से मिटा दिया जाता है। और आप सब लोग भी उतने ही जिम्मेदार है इस देश की तरक्की में जितना कि कोई और। आप जैसे लोगों से ये देश बनता है। ये भारत देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, आप है तो ये देश है। असली आजादी तो वही होती है जब सर गर्व से ऊंचा हो और दिल में कोई डर ना हो। और जब तक CID आपके साथ है, आप में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। आप CID वालों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आजादी की सांसें देने के लिए। आइए हम अपने इस तिरंगे को सलाम करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।